हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बेसिक वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। दिस आर लेवल वन वर्ड्स। पिछले 16th और 17th और 15th में भी जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हमने फिल्टर किया था, उसी को आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। 22 वर्ड्स हैं। सारे का मतलब ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ के सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख दूंगा, कुछ को डिस्कस नहीं करूँगा और कुछ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, सो let us move to the first line, first word in fact. Okay, just give me a moment. All right, so yeah, the first word is execute. Execute ka matlab dekho, main hindi mein likh deta hu, kisi kaam ko anjaam dena, किसी काम को अंजाम देना, टू फिनिश अ जॉब, टू फिनिश अ टास्क, ठीक है ना। आप देखते हैं लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उस इंजीनियर का क्या काम होता है, वो सबसे निचले स्तर का इंजीनियर होता है और उसका काम होता है ग्राउंड लेवल पे खुद खड़े होकर सारे काम को क्या करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। टू फिनिश अ टास्क, और इसी का मतलब होता है टू किल समबडी, किसी को एलिमिनेट कर देना, हटा देना उसको भी। स्पाई का मतलब आप जानते हैं, जासूस, सस्पिशन। अब देखो SUSPECT, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदेह। संदेह शायद मैंने गलत लिख दिया, संदेह करना, आपको पता है ना ये बात। और सस्पेक्ट इसी का भी मतलब होता है संदिग्ध। अब हो सकता है मैं संदिग्ध लिखूं तो गलती हो जाए। संदिग्ध मतलब जिस पर संदेह हो, ठीक है ना। और तो सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना, तो वर्ब हो गया। और जब संदिग्ध कहेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउन कहेंगे। और सस्पेशन का मतलब सिर्फ संदेह, सस्पेशन का मतलब संदेह, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्यों, संदेह आपके मन का एक भाव है, ठीक है ना। और सैक, सैक का मतलब किसी को हटा देना, टू रिमूव समवन फ्रॉम अ पोस्ट, टू रिमूव समबडी फ्रॉम अ पोस्ट। ऑलराइट, ये हो गया सैक का मतलब। और सैक का ही मतलब मैंने आपको एक और बताया था, बोरी। बोरी या बोरिया या बोरा, जो भी आप इसको कहते हैं, शायद मैंने गलत लिख दिया, बोरी, हाँ शायद सही लिखा था, तो बोरी भी कहते हैं। सैक, जूट सैक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जूट सैक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सैक नाउन हो जाएगा। और टू रिमूव समबडी फ्रॉम अ पोस्ट, किसी को किसी के पोस्ट से हटाना, तो वर्ब हो जाएगा। वेवर, देखो मैंने आपको बताया था WAIVE, वेव ऑफ का मतलब ही होता है लोन माफ करना, लोन माफ करना, ठीक है। और वेवर क्या हो गया, लोन माफी। तो वेव ऑफ क्या हो जाएगा, लोन माफ करना, तो ये वर्ब हो गया। और वेवर क्या हो गया, जो सरकार ने घोषणा की लोन माफी की, ठीक है ना, वो जो स्कीम आया वही वेवर है, तो ये नाउन हो जाएगा। लूम का मतलब मंडराना, और मैंने आपको होवर बताया है और लॉयटर बताया है, ठीक है ना। तो ये पुराने वीडियोस में डिस्कस्ड है, क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अभी यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। इम्पोज, इम्पोज का मतलब लागू करना, कैसी चीज़ें जो जबरदस्ती थोपी जाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कर्फ्यू को क्या किया गया, इम्पोज किया गया। ऑलराइट, टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है ना। फाइन क्या किया गया, इम्पोज किया गया। और अभी कोविड के सिचुएशन में हम देख रहे हैं लॉक डाउन इम्पोज किया जा रहा है। होल्ड, होल्ड का एक मतलब तो होता है पकड़ना, और दूसरा हम लोग क्या क्या करते हैं, रैली को होल्ड किया जाता है, होल्ड अ रैली, होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखें, किसी भी चीज को आप
मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस चीज को भी किया जाता है। फिर देखो होल्ड मीटिंग, मीटिंग को भी हम लोग होल्ड करते हैं। तो देख रहे हो कितनी चीजों को होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको पकड़ रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हिस्ट्री से मैंने आपको क्या बताया था, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, पुरानी चीजों की पढ़ाई का नाम क्या दिया आपने, हिस्ट्री दिया। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसी हिस्ट्री से क्या बन गया, हिस्टोरिक। क्या बन गया भाई, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। तो ये क्या हो जाएगा, किसी का गुण बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बस यही दिखाने के लिए आपको ये वर्ड लिखा था। अनप्रेसिडेंटेड, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। विच हैज नॉट, मैं यहाँ पे हैपेंड लिख देता हूँ, हैपेंड इन द पास्ट। ऑल राइट, अनप्रेसिडेंटेड, एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, मतलब ऐसी विक्ट्री, ऐसी जीत जो पहले कभी नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखो लॉन्च, लॉन्च का मतलब कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसरो क्या करती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। जीएसटी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। स्टार्स अपने बेटे को, बच्चों को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। आपको समझ में आ गया, लॉन्च का मतलब किसी भी चीज़ को उसके जगह पे पहुंचाना, ठीक है ना। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब किसी भी चीज़ को क्लियर करना, स्पष्ट करना। और इसी से क्या बन गया, क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब अस्पष्टता। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको क्या किया, क्लैरिफाई किया। जो जवाब दिया वो क्या था, क्लैरिफिकेशन था। प्रोक्योर का मतलब पता है ना आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल। इंडिया प्रोक्योर्स यूरेनियम फ्रॉम कैनेडा। आपको याद आ गया होगा, किसी भी चीज़ को खरीदना जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, जैसे बिहार सरकार व्हीट को, व्हीट किसानों से प्रोक्योर करेगी, तो ये वर्ब हो गया। आप एक बार इसको डिक्शनरी में देख सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछे ही जाएंगे ये वर्ड्स एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, अफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ प्रभाव, आप देख रहे हो इसको। और अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित। शायद मैंने गलत लिख दिया है या सही लिखा है, प्रभावित करना। तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है ना। तो आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि समथिंग इज एफेक्टिंग मी, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है और नाउन के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, अफेक्टिंग मी लिखना चाहिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और प्रोटोटाइप का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का पहले जब मॉडल बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। और सैपलिंग का मतलब एक नन्हा पौधा, मुझे इसे हिंदी में लिखना नहीं चाहिए था, टाइनी या स्मॉल, स्मॉल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल प्लांट, जो आगे चल के बड़ा होगा, ठीक है ना। अभी आप देखो किसान लोग खेतों में अपने धान बो रहे हैं, तो वो धान का सैपलिंग बो रहे हैं, ठीक है ना। तो सैपलिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्रोटोटाइप क्या होगा, नाउन होगा। इफेक्ट और अफेक्ट आपने देख ही लिया। सो का मतलब बोना, सो पैडी सैपलिंग। ओके, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बोना। एड का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ सिर्फ एडे लिख देता हूँ। एड का मतलब इसका सहायक, और एड का मतलब सहायता और सहायता प्रदान करना। कंटेन, देखो कंटेन का मतलब तो होता है कि किसी भी बर्तन में जो उसका कैपेसिटी है, ठीक है ना। देखो आप यहाँ ये बर्तन में क्या है, लिक्विड कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, इसीलिए इस बर्तन को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर भी बोलते हैं। ओके, मिल्क कंटेनर। अब इसको कंटेन कर रहा है लिक्विड, तो क्या कर रहा है, देखो लिक्विड को बहने से रोक रहा है। तो कंटेन का ही मतलब होता है टू लिमिट समथिंग, इसीलिए अभी क्या बना है,
कंटेनमेंट जोन बना है, कंटेनमेंट जोन, और उससे हम लोग क्या करेंगे, कोरोना कोरोना को कंटेन करेंगे, ओके, लिमिट कर देंगे। इनमेट्स मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ एग्जांपल लिखूंगा। प्रिजन इनमेट्स मतलब जेल के सारे निवासी, निवासी मतलब जेल के सारे कैदी। अब यहाँ पे और देखो, हॉस्पिटल इनमेट्स, क्या इनमेट्स मतलब हॉस्पिटल के सारे निवासी मतलब कि मरीज। स्पाइक का मतलब आपको पता ही है, कांटा या बढ़ोतरी। ऑलराइट, ये सारे वर्ड्स पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, आप जा सकते हैं लेवल वन के वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट। तो इस वीडियो में हमने किया क्या, हमने सारे वर्ड्स को कैसे डिस्कस किया, सबसे पहले तो उनका मीनिंग देखा, फिर ये भी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें ये वर्ड्स क्या है, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, या फिर कैसे ये अपने रिलेशंस बदल रहे हैं। सो वी हैव वॉच्ड ऑल दिस थिंग्स, और ये चीज़ हम लोगों को रोज करना चाहिए, धीरे धीरे वो खून में घुल जाएगा और फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एंड गाइज प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल एंड दिस वीडियो हियर।